नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर आगरा से आ रही है। पुलिस कमिश्नरेट आगरा के थाना सदर बाजार सर्विलांस व एसओजी नगर जोन पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही द्वारा थाना क्षेत्र में शराब व्यापारी के साथ मारपीट कर रुपए एवं एक्टिवा लूट की घटना का किया सफल अनावरण। घटना में संलिप्त 6 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 2 मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त 1 एक्टिवा, 1 मोबाइल, वहीं 1 तमंचा, 1 कारतूस व 1 लोहे का पाइप बरामद हुआ। दिनांक 12/9/2023 को थाना सदर बाजार पर सूचना दी गई कि दिनांक 11/9/2023 को मैं अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहा था कि कंपनी गार्डन के पास से निकलते ही मोटरसाइकिल पर सवार 3 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मुझे रोक कर मेरे साथ मारपीट की गई व मुझसे मेरी एक्टिवा व 1 मोबाइल सैमसंग लूट कर भाग गए। इस संबंध में थाना सदर पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया। उपरोक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट आगरा के निर्देशन में पुलिस उपायुक्त नगर के कुशल नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त सदर के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सदर बाजार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बता दें कि पुलिस ने घटना का सफल अनावरण किया है। कैसे होती घटना? दुकान से कैश लेके आ रहा था कंपनी गार्डन से, लोग पीछे से लग के एक्टिवा में लात मार दी, लात गिरते में बेहोश हो गया, सर पे लात मारी। इसके बाद उन्होंने घटना को अंजाम दिया, जो भी किया, एक्टिवा भी ले गए, मोबाइल ले गए। उम्मीद नहीं पुलिस को, बहुत धन्यवाद इन लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी कार्रवाई की, बहुत जल्दी किया इस टीम को जो जो इस अभियान में लगी हुई थी, सबका धन्यवाद धन्यवाद देता हूँ। नहीं, होटल पे लगे काम करते उनको जानता था, दुकान पे आते जाते थे जानता, बाकी वो लोगों नहीं जानता। देखिए, दिनांक 12/9/2023 को थाना सदर बाजार पर सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि शराब के ठेके के मालिक हैं, वो कुछ उनके साथ कुछ युवकों ने डंडा मार के और कैश जो वो ले जा रहे थे उसको लूट की घटना कारित की है। इस घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सदर ने अभियोग पंजीकृत किया और पुलिस टीम लगा दी गई और आज इस घटना का सर्विलांस एसओजी टीम सिटी जोन और थाना सदर के द्वारा संयुक्त रूप से सफल अनावरण किया गया है। इस घटना में इन्वॉल्व जो 6 अभियुक्त थे, इन 6 को पकड़ा गया है, इनकी गिरफ्तारी की गई है, इनके पास से कैश बरामद हुआ है, 1 इलीगल वेपन बरामद हुआ है, जो एक स्कूटी इन्होंने लूटी थी वो भी बरामद हुई है और साथ ही साथ जो 2 वेपन घटना 2 मोटरसाइकिल्स जो घटना में प्रयुक्त हुई थी इसको भी रिकवर किया गया है और बहुत ही अल्प अवधि में इस घटना का सफल अनावरण किया गया। इसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का कैश अवार्ड दिया जाएगा। इस घटना में जो ऑपरेशन दृष्टि के तहत कैमरे लगाए गए थे अनावरण में, उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। घटना की डिटेल्स कुछ इस प्रकार हैं। इसमें जो वादी हैं, जो विक्टिम हैं, उनके ठेके के बगल में एक ढाबे पे काम करने वाला व्यक्ति जिसका नाम विशाल था, उसने इसकी योजना बनाई थी, अपने साथ 5 अन्य युवकों को लिया था। घटना के दिन जब वादी अपनी दुकान बंद करके कैश कैरी करके मोटरसाइकिल से जा रहा था तो इनका पीछा करते हुए और सुनसान इलाके में आकर डंडे से प्रहार करके इनके साथ लूट की घटना कारित की गई थी, जिसका आज सफल अनावरण किया जा रहा है। सर, कोई रैकेट की थी, उनका इतिहास क्या है? देखिए, आपराधिक इतिहास अभी तक कोई नहीं है, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है ये न्यू टाइमर्स हैं और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है और रेकी बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरह से प्लान करके घटना की है तो रेकी जरूर किया है इन्होंने और उसी के बेसिस पे इस घटना को अंजाम दिया। कुछ नकदी बरामद किया है? जी, कैश बरामद है इसमें।